Good morning, students. Today is our maths class. In this class, we will do chapter number 11 of Discovering Maths book. So let us start. Our 11th chapter is fraction. So firstly, we will read what is a fraction. Koi bhi value. 1 by 2, 2 by 2, 3 by 7. 5 by 10 ऐसी फॉर्म में दी हो उसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन के अंदर दो वैल्यूज होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर. अब देखते हैं इसके अंदर 1 बाई टू जैसे दे रखा है हाफ, तो हाफ पार्ट इसके अंदर शेड है. वैसे 1/3 तो 1 पार्ट, 3 में से 1 पार्ट शेड है. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अब जैसे 1/2, 2/4, 3/6, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कम टू प्रैक्टिस जोन 1. प्रैक्टिस जोन 1 के अंदर कह रहे हैं राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर द फॉलोइंग नंबर. ये वाला क्वेश्चन आपने नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है. इसके अंदर कह रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपने मेंशन करना है. जैसे ए पार्ट के अंदर आप लिखेंगे 3/4, तो 3 इज़ अ न्यूमरेटर एंड 4 इज़ अ डिनोमिनेटर. ऐसे इसके सारे रिमेनिंग पार्ट भी आप नोटबुक के अंदर सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन 2. प्रैक्टिस जोन 2 के अंदर लुक एट द कलर्ड पोर्शन एंड राइट द फ्रैक्शन. कलर्ड पोर्शन को अपने कलर पोर्शन को देखना और इसका फ्रैक्शन लिखना है. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक इस सर्कल के अंदर कितने हैं, 6, और शेडेड पार्ट कितना है 2, तो 2/6 इज द आंसर. बी पार्ट के अंदर हार्ट शेप बना हुआ है, 3 शेप्स हैं, 2 शेड हैं, तो 2/3. इन सी पार्ट टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं इसके अंदर, 6, और शेड कितने हैं 2, तो 2/6 इज द आंसर. डी पार्ट के अंदर स्टार्स दे रखे हैं, 6 स्टार हैं टोटल, उनमें से 5 शेड है, तो 5/6. कम टू क्वेश्चन नंबर 2, कलर द फिगर्स टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन. अब 3/8, ऊपर वाला जो वैल्यू है वो क्या है, शेडेड पार्ट, और नीचे वाले टोटल ब्लॉक, टोटल वैल्यू कितने ब्लॉक हैं इसके अंदर. तो अपने को 3 पार्ट शेड करना है. इन बी पार्ट 4/5 दे रखा है, तो 5 में से 4 को अपने शेड करना है. सी पार्ट के अंदर 7 को शेड करना है 10 में से, एंड डी पार्ट के अंदर 6/7, इट मीन 6 पार्ट को शेड करना है. नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन 3. प्रैक्टिस जोन 3 के अंदर अपने को कह रहे हैं राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे अपने को 2/3 इसमें दे रखा है ए पार्ट के अंदर, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 4/6, 8/12. अब जब इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 4/6 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे तो 2/3 ही आएगा. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर या तो अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू दी हो अलग अलग दोनों का टेबल लिख सकते हैं. जैसे अब बी पार्ट के अंदर 4/5 दे रखा है, तो 4 2 8, 4 3 12, 5 2 10, 5 3 15, तो सो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सी पार्ट के अंदर दे रखा है 3/5, तो 6/10 एंड 9/15 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इन डी पार्ट 12/15, 24/30, 36/45, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन 4. प्रैक्टिस जोन 4 के अंदर अपने को कहना है यूनिट फ्रैक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसके न्यूमरेटर में 1 हो. अब इसके अंदर ए पार्ट के अंदर नहीं, बी पार्ट अपना क्या है यूनिट फ्रैक्शन, बिकॉज इसके न्यूमरेटर में कितना है 1, तो 1/9 ये क्या है यूनिट फ्रैक्शन. और इसके अंदर सी पार्ट नहीं है एंड डी पार्ट 1/5 ये भी क्या है यूनिट फ्रैक्शन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट
whether the following fraction are like or unlike fraction. अब like fraction and unlike fraction बताना है अपने को. Like fraction, so like fraction कौन से होते हैं? The fraction with same denominator, जिसके अंदर same denominator हो वो क्या होता है? Like fraction. और जिसके अंदर denominator अलग अलग हो वो क्या होता है? Unlike fraction. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट देखेंगे, 2/5 and 3/5, सो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन. बी पार्ट के अंदर 1/9, 2/7, ये क्या? अनलाइक. ऐसे ही सी पार्ट, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन. एंड डी पार्ट अनलाइक फ्रैक्शन. ये सारे क्वेश्चंस आप नोटबुक के अंदर सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, नाउ कम टू मूव प्रैक्टिस ऑन फाइव. प्रैक्टिस ऑन फाइव के अंदर अपने को बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपने को रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर. अब ये देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. प्रॉपर वो होता है ऑल फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर होती है. अब जैसे 5/6, सो ये क्या है? प्रॉपर. 7/4 इम्प्रॉपर. 8/5 ऑल्सो इम्प्रॉपर. 9/10 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. 11/12 प्रॉपर फ्रैक्शन. 12/11 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.